हाय गाइस, आज हम लोग फिर निकले हैं एक शूट पे। आगे चल के आपको बताएंगे कि हम लोग क्या शूट करने वाले हैं। बारिश हो रही थी जिसकी वजह से हम 1-1.5 घंटा लेट हो चुके हैं। एनीवे, अब आगे मौसम हमें साफ दिख रहा है, इसीलिए हम लोग अपना जो व्लॉग है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। बस कुछ ही देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं स्पॉट पे, फिर आगे आपको दिखाते हैं आज हम लोग क्या शूट करने वाले हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकेशन कितनी अच्छी है, बारिश रुकने के बाद कितना अच्छा मौसम हो गया है और हम अपने डेस्टिनेशन पहुंचने ही वाले हैं। हाय गाइस, हम लोग लोकेशन पहुंच चुके हैं। मैं आपको अपनी टीम से मिलवाता हूं। ये हमारी मॉडल है, अभी मेकअप करेगी, समिता, निशा और पूर्णिमा हमारी टीम मेंबर हैं। ये हमारी वाइफ है, मिसेस चावला। और अब मिलवाते हैं जिनका ये फार्म है, राकेश जी। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली हाता के पास में है और ये प्रोजेक्ट का नाम है धरुणम वैदिक नेचर। मतलब आप आएंगे यहाँ, कम्प्लीटली आपको वैदिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिलेगा। खाना पीना से लेकर रहना, आप जैसा खोजेंगे वो सारा वैदिक कॉन्सेप्ट पे है। यू आर मोस्ट वेलकम, आइए उसके बाद समझेंगे। तो राकेश जी ने जैसा बताया, अब हम यहाँ पे यहाँ की फैसिलिटीज़, यहाँ के रूम्स सारा आपको दिखाएंगे, प्लस फोटोशूट दिखाएंगे। जो हमारी मॉडल आई है उनका हम फोटोशूट भी करने वाले हैं। और हमारे टीम के कुछ लोग आ रहे हैं, देखिए हमारे टीम के गोल्डी खालसा जी पहुँचे हैं और राजू पाजी पहुँचे हैं। दोस्तों, यहाँ गेस्ट के लिए मड हाउस बनाया गया है और देखिए मड हाउस कितना अच्छा लग रहा है। और फोटोग्राफी के साथ साथ मैं आपको रिजॉर्ट के बारे में भी कुछ जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ बैठने के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया है, जहाँ आप बैठ के नेचर का आनंद ले सकते हैं। इधर देखिए, ये हमारी किचन है, बैक साइड में देखिए पॉन्ड बना हुआ है, फाउंटेन, हल्की हल्की हवा चल रही है, झूला भी लगा हुआ है। और ये रूम है, आइए आपको रूम दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें ग्लास लगा दिया, टेबल का कंसेप्ट देखिए कितना अच्छा है। और ये अंदर भी एक रूम है, स्वीट रूम के जैसे बना हुआ है, होटल में जैसा रहता है, पर बिल्कुल वैदिक नेचर, मड हाउस। मेन बात आपको बताता हूँ, यहाँ पे फार्मिंग भी होती है। तो राकेश जी, आप बताइए यहाँ पे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग किस किस चीज़ की कर रहे हैं? देखिए, टारगेट तो ये है कि खाने में जो भी यूज़ करते हैं, सारा चीज़, चावल दाल से लेकर सब्जी। एक अभी दिखा दे रहा, ये अभी एक्सपेंशन में अभी 2 एकड़ और है उस एरिया के लिए, फ्रूट का प्लांट्स अभी आया है। ये इस बरसात का टारगेट है कि इस बरसात में ये सारा प्लांटेशन हो जाएगा। इसमें अभी आप जो देख रहे हैं, ये अभी रेयर, अभी झारखंड सराउंडिंग में बहुत कम लोगों के, बहुत कम क्या, एक लोग के पास में ये है। ये है आम, केसर आम। उसके बाद आपका अमरूद, ये आपका थाई पिंक वैरायटी है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा गोल्डन कस्टर्ड एप्पल। और एक और चीज़ है, ये अंजीर, ये ड्राई फ्रूट के लिए, क्योंकि इस एरिया में, झारखंड में तो अभी तक मतलब गिने चुने लोग ही हैं जो इस चीज़ को सोच रहे हैं। आपने गाड़ी बहुत अच्छी बनाई है, ये सेंट्रो था। हाँ, सेंट्रो को आपने कटिंग करवा के बनाया है। हाँ, तो बाकी फार्म में यूज होता है, गेस्ट आते हैं तो गेस्ट अपने रेंट के लिए यूज करते हैं। बिल्कुल सही है। तो प्योरली हम लोग राइस डाल रहे हैं जी। एक्चुअली ये अभी डेवलपमेंट हो रहा है, ये आइलैंड बना रहे हैं, ये रेस्टोरेंट के लिए जो बता रहे थे, ये पूरे चारों तरफ पानी भरी हुई रहेगी, चारों तरफ से। और ब्रिज, ये एक ब्रिज यहाँ से बन रहा है जी। ये आपको आइलैंड में जाने के लिए,
और सारा रेस्टोरेंट वगैरह का अरेंजमेंट जो भी होगा वो ऊपर ही होगा, ऊपर होगा उसे। और ये एक्चुअली इसका नाम भी हम लोगों ने दिया हुआ भूल भुलैया, बच्चों को खेलने के लिए बहुत बढ़िया ये जगह है। पत्थर के बीच से स्लॉट निकल के जाइए, घुसिए, घूमते रहेंगे चारों तरफ से। तो दोस्तों, इस रिजॉर्ट में हम लोग मॉडल शूट के लिए आए हैं। अब मैं अपना कैमरा सेट कर लेता हूँ। मेरे पास सोनी A7 मार्क 4 विथ लेंस 2470 2.8 जी मास्टर सेकंड जनरेशन है, और गुडॉक्स की AD600B लाइट है, और एक ऑप्टा शॉर्ट बॉक्स गुडॉक्स का मैंने उस पर लगा रखा है। तो आइए दोस्तों, देखिए अब हम शूट कर रहे हैं। दोस्तों लोकेशन काफ़ी अच्छी है। जैसा कि आज बारिश हो रही थी, मैंने सोचा शूट नहीं हो पाएगा, और ख़ासकर दोस्तों गोल्डन आवर का जो टाइम होता है शाम 4 से 6 बजे के बीच में, वो फोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सन हमारे बिल्कुल मॉडल के पीछे है, हम अगेंस्ट लाइट फ़ोटोशूट कर रहे हैं, और हमने इसके चलते अपनी जो शटर स्पीड है वो बढ़ा के रखी हुई है, ताकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो ओवर ना हो, और जो फ्रंट लाइट हमारी है उससे हमें कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप फोटोशूट कीजिए, बहुत ही अच्छा आपको भी रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो के लिए हम इंतज़ार करते हैं, जल्द ही आपको हम नेक्स्ट वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें और कुछ नया टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।